हेलो नमस्कार दोस्तों मैं प्रमोद पांडे आइए आज हम सब मिलकर टीजीटी भूगोल विषय के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें हम लोग टीजीटी -टी के सिलेबस के बारे में ही आज चर्चा करेंगे जिसमें भूगोल का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले सौर मंडल की उत्पत्ति है उसके बाद सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति फिर पृथ्वी की आकृति एवं गतियाँ हैं फिर पृथ्वी की गतियों के प्रभाव सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण अक्षांश देशांतर का निरूपण ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण स्थानीय एवं प्रामाणिक समय का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अनुरेखण एवं महत्व स्थल मंडल चट्टान उत्पत्ति एवं प्रकार ज्वालामुखी प्रक्रिया ज्वालामुखी के प्रकार एवं विश्व वितरण फिर उसके बाद भूकंप की उत्पत्ति एवं विश्व वितरण फिर महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण फिर पर्वत एवं उनके प्रकार वलित पर्वतों का विश्व वितरण फिर है विश्व के प्रमुख पठार एवं उनके प्रकार मैदान एवं नदी घाटियाँ अपर्दन एवं अपक्षय प्रक्रियाएँ डेविस का अपर्दन चक्र नदी के घाटी की निर्माण प्रक्रिया जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित प्रमुख भू आकृतियाँ समोच्च रेखाएं एवं समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थल आकृतियों की पहचान वायुमंडल वायुमंडल की संरचना सूर्य तप एवं उससे एवं उसे प्रभावित करने वाला कारक तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण तापमान विलोमता वायुदा पेटियाँ एवं सनातन पवन महत्वपूर्ण स्थानीय पवन वर्षण की प्रक्रिया वर्षा पाला कोहरा आदि संवहनिक धरातली एवं चक्रवातीय वर्षा विश्व के जलवायु दैनिक मौसम मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान जलमंडल महासागरों का उच्चावचन महासागरीय तापमान एवं लवणता महासागरीय धाराएं उत्पत्ति प्रवाह दिशा एवं जलवायविक प्रभाव ज्वार भाटा प्रक्रिया एवं उत्पत्ति के सिद्धांत जैवमंडल संरचना वनस्पति के प्रकार एवं विश्व वितरण तथा संबंधित वन्य जंतु ये था हमारा फिजिकल पार्ट उसके बाद अब हम जो हम लोग मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे मानव भूगोल का सिलेबस जो है तो मानव भूगोल के सिलेबस में मानव पर्यावरण अंतर संबंध फिर उसके बाद सैद्धांतिक विवेचन सैद्धांतिक विवेचन में रेटजल हैं डेविस हैं सेम्पुल हैं हटिंगटन हैं बिडाल डी लाब्लास हैं ब्रून्स हैं एवं ग्रिफिट टेलर हैं अब इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ लोगों को ही पढ़ना है बाकी किसी को नहीं पढ़ना है। अब विश्व की विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण की विवेचना मानव प्रजातियां विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां जैसे काकेसस मंगोलाइड निग्राइड के लक्षणात्मक भेद एवं वितरण विश्व की आदिम जातियाँ एवं तत्संबंधित निवास में अंतर संबंध बुशमैन, इक्कीसमों खिरगीज, मसाई से मांग ये जन इन जनजातियों का विशेष अध्ययन करना है फिर मा, और इनका अधिवास प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप एवं पर्यावरण से संबंध विश्व के प्रमुख विराट नगर अवस्थिति एवं महत्व फिर आर्थिक भूगोल है आर्थिक भूगोल में हम लोग विश्व की प्रमुख फसलों का भौगोलिक विवेचन जैसे चावल है गेहूं है कपास है गन्ना है चुकंदर है चाय है कहवा है एवं रबर है विश्व में मत्स्य आहरण वन दोहन एवं दुग्ध उत्पादन प्रमुख ऊर्जा एवं खनिज संसाधन कोयला, पेट्रोलियम लौह इस्पात मैग्नीज बाक्साइड एवं तांबा विश्व के प्रमुख उद्योगों की अवस्थिति के कारक एवं वितरण लौह इस्पात सूती एवं कृत्रिम वस्त्र कागज तेल शोधन प्रमुख औद्योगिक प्रदेश उत्तर उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य जैसे किंकी रूर यूक्रेन कैंटन संघाई सेनियाक ब्राजील पठार कैपटाउन नेटाल विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग एवं पतन अब भारत की बात करेंगे भारत में भारत की स्थिति भारत का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं इससे संबंधित भू सामरिक हिंद महासागर एवं उसका आर्थिक एवं सामरिक महत्व धरातलीय स्वरूप जल प्रवाह मानसून की उत्पत्ति एवं विशेषता जलवायु प्रदेश मिट्टियाँ एवं उनका जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति अंतर संबंध निर्वनीकरण बाढ़ एवं मिट्टी अपर्दन की समस्याएं एवं उसके समाधान कृषि खाद्यान्न उत्पादन प्रगति एवं समस्याएं, स्वे, हरित श्वेत नील क्रांतियाँ प्रमुख फसलें जैसे चावल गेहूं गन्ना दलहन से जुड़ी समस्याएं, ऊर्जा संकट एवं उसका समाधान कोयला एवं खनिज तेल का भौगोलिक वितरण एवं उत्पादन विश्व ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत वहुद्देश्यो योजनाएँ एवं उनसे जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं, वस्त्र निर्माण उद्योग लौह इस्पात वस्त्र चीनी कागज सीमेंट एवं एल्युमिनियम उद्योगों की अवस्थिति एवं वितरण प्रतिरूप जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण जनसंख्या जनित समस्याएं परिवहनों का के साधन विदेशी व्यापार प्रमुख नगर एवं बंदरगाह ये था टीजीटी टी का सिलेबस वो भी टीजीटी टी में भूगोल का तो अभी हम लोग टीजीटी भूगोल के सिलेबस के बारे में बात किए हैं फिर हम लोग पीजीटी भूगोल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम लोग नेट के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को ठीक है आज का ये सिलेबस यहीं समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार दोस्तों